हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं बिहार से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, अभी जो है एक नया अपडेट ये आ रही है कि देखिए 6 अप्रैल से बोला जा रहा है कि STET की जो परीक्षा है वो 6 अप्रैल से होगी। तो देखिए कितना सच है, क्या क्या सही है, इसको मैं आपको अंत तक देखिए क्या है। तो देखिए, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, इन्होंने शुक्रवार को परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको STET कहते हैं, अगले वर्ष 6 से 24 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बोल रहा है 6 से 24 अप्रैल तक ये की जाएगी, अभी मतलब उसका ऑथेंटिक नहीं आया है। STET का जो प्रवेश पत्र है ये 24 मार्च को जारी किया जाएगा और STET के लिए ऑनलाइन आवेदन, जो आप लोग पहले आवेदन करेंगे फिर एग्ज़ाम होगा, तो आवेदन 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच है। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा मैं वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। बेल आइकन दबा दोगे तो उसके बाद ही पहुँचेगा, तो आप देख सकते हैं 13 मार्च से जो है अब तो ये 14 फरवरी के बीच किया जाएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था कि हर साल बोल रही है सरकार कि अब साल में जो है 2 बार STET की परीक्षा ली जाएगी, तो बोलने और करने में खैर बहुत डिफरेंस है, देखिए क्या करती है। और एक बार स्टेट का तो एग्ज़ाम लेने के बाद मान लीजिए अभी तक तो उन्होंने उनका इसकी मतलब जो 7वां चरण है उसमें बोला गया था कि सभी को मौका मिलेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये होने के बाद ही, या हो सकता है कि ये एग्ज़ाम होने के बाद वो ऐसा करे। तो ये सारे अपडेट के लिए शिक्षक बनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू।